देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे हैं। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान कहा, देश ने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया बल्कि देश ने मुझे जूते भी मारे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने सोचा यह हो क्यों रहा है, तो जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। बकौल राहुल, देश ने जो प्यार मुझे दिया है वह मेरे ऊपर कर्ज है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता बरकरार रखेगी। आम आदमी पार्टी के जीत के दावे पर उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में आपकी जमानत जब्त हो गई थी और अब हिमाचल में भी हारेगी। गौरतलब है कि शनिवार को हिमाचल में आप अध्यक्ष समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों की बढ़ोतरी का विरोध नहीं करने पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का पुतला फूंका। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा, 2012 में यह अभिनेता ईंधन की कीमतें बढ़ोतरी और महंगाई दर के खिलाफ ट्विटर करते थे। उस समय LPG सिलेंडर की कीमत 300 से 400 थी, जबकि पेट्रोल और डीजल का मूल्य लगभग 60 रुपये लीटर था। अब इन लोग के मुंह में ताले मर गए हैं और यह बीजेपी के सब एजेंट हैं। बीजेपी सांसद सुब्रह्म स्वामी ने ट्वीट किया, वर्तमान में भारत के लोकतंत्र को अनुचित प्रतिबंध लगाकर संकुचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, यह स्वीकार नहीं है और हमें पर्याप्त लोकतंत्र के लिए एक आंदोलन शुरू करना पड़ सकता है। इससे पहले स्वामी ने कहा कि ईंधन की रोजाना बढ़ती कीमतें देश में विद्रोह जैसे हालात पैदा कर रही है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से NCP प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर हुए प्रदर्शन को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री उनके भतीजे अजीत पवार ने खुफिया विभाग की नाकामी बताई। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। मामले में अब तक 100+ गिरफ्तार हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उनका जन्म सत्ता के केंद्र में हुआ है, लेकिन उनको ऐसा कोई राजनेता जो दिन भर सत्ता हासिल करने के बारे में सोचते हैं। बकौल राहुल, मैं अपने देश को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं एक प्रेमी की तरह देश को समझना चाहता हूँ। कर्नाटक के दो पूर्वी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने HD स्वामी कुमार स्वामी साहित्यकार के वीरभद्रा सहित 64 लोगों को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने वाले संदेश मिले हैं। मैसेज में कथित तौर पर लिखा है कि आपके सिर पर मौत मना रही है, अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर लें। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेकर जाँच शुरू कर दी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को MGP के सुदीन धवलीकर और बीजेपी के दो विधायकों नीलकांत हनारकर और सुभाष फलदेसाई की मंत्री बनाकर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने तीनों नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई है। इन तीन मंत्रियों के शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री समेत 12 सदस्य हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा कि अगर माओवादी भारतीय संविधान में विश्वास व्यक्त करते हैं तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बकौल बघेल, हम चाहते हैं कि बस्तर में शांति और समान माहौल वापस लौटे। राज्य सरकार के मुताबिक माओवादी हिंसा की घटना 2017 में 469 से घटकर 2021 में 226 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में आपके प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी समेत अन्य नेता शनिवार को बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बकौल केसरी, अरविंद केजरीवाल ने एक रैली के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, जिसे अपमान मानकर स्वाभिमान के लिए हमने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती को संदेश दिया कि गठबंधन कीजिए और मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। उन्होंने कहा, मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। बकौल राहुल, ED CBI के डर से अब वो लड़ना नहीं चाहती हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर ट्वीट किया, भाजपाई महंगाई जनता को ईंधन से निधन कर रही है। उन्होंने कहा, ईंधन के बेहताशा बढ़ते दामों पर ना प्रबंध, ना नियमन और ना ही सब कुछ बाजार के हवाले हैं, तो फिर पेट्रोल डीजल गैस मंत्रालय किस लिए? इस मंत्रालय को तत्काल भंग कर देना चाहिए। एकदम सही बात। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पार्टी ने बताया कि 2021-22 में उसकी आय 58% गिरावट के साथ 285.7 करोड़ रही है, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में 682 करोड़ थी। वहीं पार्टी का खर्च भी वित्त वर्ष में घटकर 209 करोड़ रहा, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में 998.15 करोड़ था। गरीब से रोटी कपड़ा मकान के वादे सभी ने किए, लेकिन पूरा मोदी कर रहे हैं गिरिराज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि गरीबों की रोटी कपड़ा और मकान के वादे तो सभी सरकारों ने किए, लेकिन वादों को पूरा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 60 वर्ष के शासन में गरीबों के लिए 3.5
26 करोड़ घर बने, जबकि बीजेपी ने 8 साल में 2.50 करोड़ से अधिक घर बनवाए हैं। तो आपको क्या लगता है? जय हिंद, जय भारत।